हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरु जी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण, और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के इम्पोर्टेंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के महत्व की, तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है बच्चों कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कई सारे फिनोमिनल्स को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है, और जिन पे हम बिलीव नहीं करते हैं उन पे भी ये एप्लीकेबल हो जाता है। अब इसमें सबसे पहली बात जो हम बिलीव नहीं करते हैं, जनरली हम सोचते नहीं हैं इसके बारे में, वो है द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, यानी वह शक्ति जो हमें पृथ्वी से बांधे रखती है, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है। अगर देखा जाए तो अगर पृथ्वी से कोई चीज़ हमें बांधे ना रखे, ग्रेविटेशन फोर्स हमें बांधे ना रखे, तो हम या तो हवा में ऊपर उड़ने लगेंगे या फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे एक साइड में को। ठीक है, तो ये चीज़ क्या करती है, हमें बाइंड करती है पृथ्वी से। दूसरी चीज़ क्या होती है बच्चों, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, यानी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, जैसा कि हमने पिछली बार जो वीडियो थी उसमें देखा था इंट्रोडक्टरी पार्ट में, कि क्या सूर्य क्या हो रहा है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ग्रह हमारे प्लैनेट जो है, वैसे ही पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है हमारा चंद्रमा या मून। और ये कैसे, एक सेंटीपेटल फोर्स काम कर रही है जो कि किसके अंदर आती है, ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर ही आती है बच्चों। फिर क्या बात करता है दूसरी चीज, द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, यानी सन सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति, यही जैसे कि हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। फिर उसके बाद आता है बच्चों द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन, यानी चंद्रमा और सूर्य कारण ज्वार भाटे का आना। अच्छा, ज्वार भाटे का आने से होता क्या बच्चों, कि पानी का लेवल जो समुद्र में है वो ऊपर उठता है और नीचे होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें यानी जीवित प्राणियों की बात करें तो ये कई तरह के प्राणियों के लिए ज़रूरी है। अगर बेसिक जो हमें सीधे सीधे दिखता है उसे देखने के लिए समझे, तो इससे क्या होता है कि बड़े बड़े जो शिप हैं जो पोत तक सामान्यतः नहीं आ सकते हैं, जब पानी का लेवल बढ़ता है तो वो क्या करते हैं, आसानी से पोत तक आ सकते हैं, अपने सामान को उतार सकते हैं, और फिर जब पानी का लेवल वापस बढ़ जाता है तब वो यहाँ से पोत से वापस चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फ़ायदा होता है ज्वार भाटे का या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण जो इम्पोर्टेंस है उसका। फिर बात आती है बच्चों फ्री फॉल की या मुक्त पतन की, अब जरा इसके बारे में देख लेते हैं। तो होता क्या है बच्चों, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी ऊंचाई पर फेंकते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो एक सर्टेन हाइट तक पहुंचने के बाद वो नीचे गिरना शुरू कर देती है। अब जब वो नीचे गिरती है बच्चों, वो गिरती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसमें कुछ मोशन होता है, इसी मोशन को हम क्या कह देते हैं, फ्री फॉल या मुक्त पतन के नाम से कह देते हैं। अब जब ये फ्री फॉल हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन तो सेम रहती है, बट जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ती रहती है और या फिर चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से क्या कह सकते हैं हम, इसमें जरूर होती है एक्सीलरेशन या त्वरण की। अब ये जो एक्सीलरेशन होता है बच्चों, यानी जो आपका त्वरण होता है फ्री फॉल में, उसे हम इंडिकेट करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी आपका जो गुरुत्वाकर्षण है उसे हम कह देते हैं गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब इसे स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर एस माइनस टू। ठीक है, इन दोनों तरीके से आप इसे डिनोट कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, वीडियो का ये वाला पार्ट होता है यहीं पर कम्प्लीट, और आपका ये टॉपिक भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। Thank you.